YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रजवाड़ी बीएड कॉलेज के प्रथम वर्ष के दर्जनों की संख्या में आक्रोशित विद्यार्थी परीक्षा में विलंब होने की वजह से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देने में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर आज नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कुलपति से मिलने कार्यालय पहुंचे। बताते चले कि छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 30 सितम्बर है और बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा का परिणाम 7 आवेदन के देना अनिवार्य होना है। बताते चले कि छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 30 सितम्बर है और बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा का परिणाम 7 आवेदन के देना अनिवार्य होता है, जबकि परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक ढुलमुल रवैया ही अपनाया जाता रहा। वैसी परिस्थितियों में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने में विद्यार्थियों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने बताया कि समस्या के समाधान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया है, जल्द ही निदान होने की संभावना है। समस्या यह है कि मैं बीएड रजवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मुझे स्कॉलरशिप भरना है। स्कॉलरशिप भरने का डेट 30 सितंबर तक है और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी आया नहीं है और स्कॉलरशिप में रिजल्ट मांगता है। यूनिवर्सिटी में आते हैं कि रिजल्ट दीजिए तो यूनिवर्सिटी बोलता है कि मैं जल्द एग्ज़ाम ले लूँगा, और कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज वाला बोलता है कि यूनिवर्सिटी आने के लिए। 30 तारीख तक हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं भराएगा, तो इस संबंध में हम यह जानना चाहते थे कि हम लोग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होगा। 20 से यूनिवर्सिटी का छुट्टी भी है और 21 तारीख से यूनिवर्सिटी छुट्टी भी है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि 30 तारीख तक स्कॉलरशिप का लास्ट डेट है 30 सितंबर, तो क्या यूनिवर्सिटी ये 30 सितंबर तक हमको रिजल्ट दे देगी? बस हमको यही कुछ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में ये बात आप बोले? हाँ, यूनिवर्सिटी में बोला गया है, अभी जस्ट पंजीयन छप करके आया है। यूनिवर्सिटी पंजीयन छप करके इसे हम लोग बोले तब